और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या से। एक बड़ी खबर है, अयोध्या में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से बदसलूकी हुई है। राम मंदिर के बाहर कांग्रेस का झंडा तोड़ा गया और कुछ लोगों ने मंदिर के बाहर कांग्रेस का झंडा तोड़ दिया। बता दें कि अजय राय और दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या दौरे पर है और इस दौरान विवाद देखने को मिला, क्योंकि बता दें कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पहले। और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जब अयोध्या पहुंचा तो विरोध का सामना करना पड़ा राम भक्तों ने, जो कि भारी विरोध किया और हंगामा हुआ। अयोध्या में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से बदसलूकी हुई, राम मंदिर के बाहर कांग्रेस का झंडा तोड़ दिया गया। बता दें कि एक प्रतिनिधिमंडल जो कि राम मंदिर पहुंचा हुआ है दर्शन करने के लिए, और इस बीच तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उस झंडे को तोड़ दिया गया और किस तरह की बदसलूकी हुई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था और जिनके द्वारा इस तरह की बदसलूकी की जा रही थी उन्हें रोकने की कोशिश भी की। आपको बता दें कि एक तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है उसको लेकर भी लगातार आलोचनाओं का शिकार होती जा रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बीच लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़का कि लोगों ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया इस कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ, और काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, हंगामा काफी देर तक देखने को मिला। एक तरफ अयोध्या जो कि राममय नजर आ रही है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, लेकिन इस बीच लगातार राजनीति देखने को मिलती है, तमाम बयानबाजी होती है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तमाम बयान सामने आते हैं और जिसकी निंदा की जाती है, और बीजेपी घेरती हुई नजर आती है। लेकिन जब अयोध्या जाने का फैसला किया कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने, तो इस दौरान अयोध्या तो पहुंची ये प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे अयोध्या, लेकिन इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा। और देखिए किस तरह से बदसलूकी की गई, इन कांग्रेस नेताओं के हाथ में जो झंडा था कांग्रेस का, पार्टी का झंडा तोड़ दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि पुलिस ने रोकने की काफी कोशिश की, पुलिस की मौजूदगी में भी ये सब हंगामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। भूपेंद्र जी, चूंकि तस्वीरें सामने आई हैं अयोध्या से, जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा हुआ था अयोध्या में, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना जो है ये राज्य का काम है, और जो लोग भी दर्शन करना चाहते हैं राम भगवान सबके हैं, उन पर किसी का एकाधिकार तो है नहीं, और अगर इस तरह से एकाधिकार करने की कोशिश की जा रही है तो ये तो जो है धर्म के साथ और आस्थाओं के साथ जो है ये धोखा है, आस्थाओं पर हमला है ये, तो ये जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति ये योगी जी बताएंगे उनके राज्य में क्या हो रहा है, और कोई व्यक्ति जो है क्यों वंचित किया जा रहा है दर्शन करने से भगवान। जी ठीक है भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता हैं हितेश बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जी हितेश जी, हर कोई राम मंदिर जाना चाहता है, अयोध्या जाना चाहता है, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए भी, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन इस दौरान सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि पुलिस वाले उनको अलग कर रहे हैं, आज पुलिस वाले वहाँ नहीं होते, योगी जी का शासन नहीं होता तो इनके तो एक कपड़ा नहीं बचता वहाँ, क्योंकि ये सब तो क्या नौटंकी करने पहुंचे हैं, कोई रोज बयान दे दे के नहीं जा रहे, हम तो 22 को नहीं जाएंगे, हम तो उसके पहले जाएंगे। अच्छा ये बताओ कांग्रेस का झंडा है, खूनी पंजा ले जाने की क्या जरूरत थी? राम मंदिर में खूनी पंजे की क्या जरूरत थी? कहीं आपने कमल निशान देखा पूरे मंदिर में कहीं? भूपेंद्र जी सुना आपने, यहाँ पर दर्शन करने गए थे कि आप पार्टी का प्रचार करने गए थे? वो देखो ताले कैसे लगे हुए, गजब ही लोग हैं ताले। भूपेंद्र जी अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, और इस बात का संकेत देता है कि इन्होंने कैसे पढ़ाई लिखाई करी, ये खूनी पंजा कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने। नहीं तो राम मंदिर में खूनी पंजे का क्या काम है आप बता दो? कमल का फूल क्या गंध में खिलता है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है वहाँ, कहीं दिखाई दे रहा है आपको? बोलिए शर्म आनी चाहिए आपको, हम आपको बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, भगवान राम ही आपको सद्बुद्धि दे दे, ठीक है। रक्त रंजित तो राजनीति आपकी, अभी तो पिटाई आपकी हो रही है, अपमान कर रहे हैं लोगों का, पब्लिक मार रही है आपको, अपमान कर रहे हैं,
तभी तो पब्लिक आपको ढो रही है तबीयत से। पब्लिक तो धर्म के साथ है, तो ये कि योगी जी की उस दिन दौड़ ऐसे ही तुम्हें दौड़ाएगी, अभी चिंता मत करो। ठीक है भूपेंद्र जी, आप छोटा सा सवाल सर, भूपेंद्र जी ये भूपेंद्र जी ठीक है, भूपेंद्र जी छोटा सा सवाल, जब दर्शन करने जा रहे थे तो यहाँ पर पार्टी के झंडे का काम क्या था? ये पार्टी क्यों नहीं झंडे का, उसमें क्या तकलीफ है झंडे का? तकलीफ लोगों को भी मुझे नहीं तकलीफ है सर। आप बीजेपी की तरफ से हमसे डिबेट कर रहे हैं क्या? नहीं, पार्टी का झंडा लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर राजनीति करने जा रहे हैं आप सर। क्या झंडा क्या लिखा है कि झंडा ले जाना प्रतिबंधित है किसी? नहीं, प्रतिबंधित नहीं है, आप उस पर राजनीति ढूंढेंगे, आप हर चीज में राजनीति करेंगे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे सवाल। आप दर्शन करने जा रहे हैं ना कि वहाँ पर राजनीति करने जा रहे हैं? तो दर्शन करने जा रहे हैं तो क्यों 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 नहीं तो भाई आप एंकर को क्यों डांट रहे हो? जवाब दे दो, आप क्या राजनीति करने जा रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने झंडे लेके हितेश जी बताइए कि झंडे क्यों नहीं लिया जा सकता वहाँ पर? हमें क्या करना, राम भक्तों ने जवाब दे दिया, यहाँ राजनीति नहीं चाहिए उनको जी, तबीयत से उन्होंने सूता है। वो तो मैंने बताया ना, योगी जी की पुलिस है वहाँ पे जिसका कोई झंडा नहीं बचा लिया। ठीक है, लेकिन तो आप देखो ना, हितेश जी एक चीज ये भी कि देखिए, अगर कोई पार्टी का झंडा लेकर जा रहा है, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, विपक्ष के नेता जा रहे हैं, तो वहां पर विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह की बदसलूकी तो नहीं हो सकती सर। चलिए, आपने कभी देखा महाकालेश्वर मंदिर में कोई झंडा लेकर गया हो? जी कभी देखा आपने? एक विजुअल आप बता दी, कमलनाथ जी भी जाते थे, इतने सीनियर सीनियर आदमी है, क्यों इन लोगों को, एक कम चरित्र के लोगों को, निम्न चरित्र के लोगों को निम्न और घटिया हरकत करने, आप जब 22 तारीख को वहाँ खीर बन रही है, सब उरा नींबू निचोड़ने भेज रहे हैं। वहाँ भाई हाई सिक्योरिटी एरिया है वो, वहाँ लोगों की भावना, लाखों करोड़ लोग आए हुए हैं, भाजपा से तो हमारे बहुत गिने चुने लोग। ठीक है, फिलहाल ये उम्मीद करते हैं सर कि शांति है और शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह की कोशिश, जो उपद्रव फैलाने की कोशिश लोगों के द्वारा की जा रही है, वो उपद्रव नहीं फैलना चाहिए और सब कुछ शांतिमय तरीके से होना चाहिए। हितेश जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।